वेलकम टू गीक्स टू गीक्स। आज से मैं एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट करूँगा। इसमें हम सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे, देन हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो मैथ का हमारा जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ ए लार्ज नंबर। तो हम इसमें मैथ्स का यूज़ करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, और फैक्टोरियल ऑफ ए लार्ज नंबर कैसे निकालें। जैसे हमारे पास 100 है, वो 100 का फैक्टोरियल निकालने चलेंगे तो कितना बड़ा डिजिट आएगा, आप सोच सकते हैं। इतना बड़ा, इसको मैं काउंट भी नहीं कर पाऊँ अभी बैठ के, इतना बड़ा डिजिट आएगा। तो इसको हम इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर में सेव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें स्ट्रिंग या एरे बनाना पड़ेगा, फिर इसे सेव करना पड़ेगा। पर इसमें क्या है कि हम इसमें ये सीखेंगे किस तरह हम एरे में इन वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे और मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशंस और कैरीज को सम करेंगे, कैसे हम अपने एरे में इस प्रोसेस को करेंगे। चलो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6 फैक्टोरियल देखते हैं। अगर हम अपने इस एग्जांपल में 6 फैक्टोरियल को देखते हैं जो कि 720 होता है, पर हम 6 फैक्टोरियल को उल्टे वे में अपने एरे में सेव करेंगे 0, 2, 7। क्यों? क्योंकि हमें पहले वाले से जो कोई नंबर आगे जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि हमें 7 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके अगला जो एरे बनेगा वो हमारा 7 फैक्टोरियल बनेगा। अगर हम 7 फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं तो जैसे हम मान के चले यहाँ 7 में मल्टीप्लाई किया, अगर इसमें कुछ कैरी आएगी तो अगले वाले मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ेंगे, फिर अगले वाले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे कैरी को, फिर इस तरह से ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा कुछ बेस हो गया कॉन्सेप्ट का, किस तरह से हमें इस प्रोग्राम में वर्क करना है। नाउ हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को करना कैसे है, कैसे बनाना है। गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट से ये कोड उठाया मैंने, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सो नाउ जैसे कि मैं इसमें सबसे पहले 100 का फैक्टोरियल लेता हूँ, तो अगर हम इसे रन करते हैं तो आपको नीचे रिजल्ट मिल जाता है, ये पूरा रिजल्ट। तो हम देखते हैं ये काम कैसे किया। हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया है इस प्रोग्राम में जो कि ऊपर है, यहाँ पे हमने एक एरे बनाया रिजल्ट जो हमारा RES से हमने डोनेट कर दिया, और इसके अंदर मैक्स है, यहाँ पे हमने उसे डिफाइन कर दिया मैक्स को 500, मतलब 500 डिजिट ये मैक्स रख सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। पहले एलिमेंट को 1 डिक्लेयर कर दिया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 आता है, फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 आता है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करना पड़ा क्योंकि हम इसे आगे यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। और हमारा रिजल्ट का साइज़, मतलब कि जो एरे है उसका साइज़ कितना है, जैसे इसका साइज़ कितना है सर, 1, 2, 3, इसका 3 है साइज़, तो ये एरे में साइज स्टोर होगा। कि अगर एक नंबर है तो 1, अब पहला वाला 0 है, एक नंबर स्टोर किया है इसलिए हमने उसको 1 डिक्लेयर कर दिया है। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना एरे को जितना हमने यहाँ पे उसको एन भेजा है, यहाँ पे जो एन आया है मतलब कितने का फैक्टोरियल निकालना है, ये हमारा एक्स वहाँ से लेके वहाँ हमारे एन तक चलेगा। तो हमने इसमें टू से मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट किया और फिर अपने एन तक चलेंगे। यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लाई एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने क्या किया कि जैसे कि पहले हम 2 भेजेंगे, फिर 3 भेजेंगे, फिर 4 भेजेंगे, उस एरे में उन सबका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर 2 जाता है तो होता क्या है असल में। जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये कोई एरे है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ ऐसे स्टोर करेंगे, ये हमारा रिजल्ट एरे रहेगा और ये रिजल्ट यहाँ पे लास्ट में उसकी साइज स्टोर रहेगा कि इसका साइज़ कितना है लास्ट में, और आई हमारा ये चलता रहेगा, एरे हम यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया पहले वाले में, रिजल्ट में हमने 1 डिक्लेयर किया एरे में। तो हम पहले मल्टीप्लाई फंक्शन पे चलते हैं, मल्टीप्लाई फंक्शन पे हम गए तो हमने देखा कि 2 आया, हमारा एरे आ गया, एरे का साइज़ 1 आ गया। तो हमने देखा कि अब ये हमारा आई एरे के साइज से लेस देन चल रहा, आई प्लस प्लस एरे का साइज से लेस देन चल रहा, मतलब कि एक ही बार चलेगा 0 से 1, मतलब 0 से 1 नहीं, बस 0, मतलब एक ही बार चलेगा क्योंकि ये आई 0 है,
ये 1 है तो एक ही बार हमारा फॉर लूप चलेगा। तो आगे देखते हैं हम प्रॉड। प्रॉड में हम क्या करते हैं कि अपने मल्टीप्लाई करने के बाद कैरी एक नंबर में स्टोर करते हैं, ठीक है, और फिर हम अपने रिजल्ट एरे में उस की फर्स्ट डिजिट को सेव कर देते हैं और कैरी को आगे हम बढ़ा देते हैं, मतलब कि आगे के लिए कैरी सेव कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा 2 गया और आर एस की वैल्यू 1 है, तो हमें पता है कि कैरी अभी 0 है, तो प्रॉड की वैल्यू हो गई कितनी, 1*2+0, 2 2 हो गई। तो हमने आर ई एस में 0, आर ई रिजल्ट में हमने अपने फर्स्ट मतलब 0th एलिमेंट पे 2 सेव कर दिया और कैरी हमारी 0 रहेगी, है ना। तो हमने देख के 0 रहेगी तो हमारा एरे में 2 सेव हो गया फर्स्ट एलिमेंट पे। अब जैसे कि ये ख़त्म हो गया, अब कैरी 0 है, तो ये वाइल लूप हमारा कुछ नहीं करेगा कैरी, क्योंकि 0 है। जब ये कैरी इसमें कुछ आएगी तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या होगा। असल में क्या है कि अगर कैरी कुछ आती है तो नेक्स्ट हमारे मतलब कि आखिरी एरे के जो साइज होगा एरे का, उस वाले मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसके लास्ट वैल्यू पे कैरी दोबारा चढ़ानी पड़ेगी ना। जैसे कि लास्ट लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कुछ कैरी आई तो वो नेक्स्ट नंबर पे सेव करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये फंक्शन है, ठीक है। तो अभी तो कैरी 0, जब हमारी कैरी आएगी तो नेक्स्ट केस में देखेंगे। जब ये 3 हुआ, जब हमारी एक्स की वैल्यू 2 से 3 हो गई, 3 हो गई, तो हमने देखा कि 2 से 3 हो गई, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और रिजल्ट रिजल्ट में हमारा मतलब कि इसने बोला कि साइज है अभी 1 है, मतलब कि अभी 1 है साइज इसका, आई प्लस प्लस करना है ना। तो हम 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाला एलिमेंट कितना था, 2। ये देखो हमारी अभी कैरी 0 है, 2 2 इंटू 3 अभी कैरी 0 है, यहाँ हम डिक्लेयर कर चुके। और फिर वहाँ प्रॉड की वैल्यू 6 हो गई और हमारे रिजल्ट के अभी फर्स्ट एलिमेंट में 6 चला जाएगा और कैरी 0, अभी कैरी 0 है, तो अभी ये कॉल नहीं होगा, अभी इस ये लूप नहीं चलेगा। ऐसे मान के चलो इसी तरह हम आगे बढ़ते गए और हमारे एरे ने 6 फैक्टोरियल को सेव कर लिया, जैसे मान के चले सेव कर लिया, तो हमारा एरे इस तरह से उल्टे वे में सेव कर लेगा। अब हम देखेंगे कि इसमें जब एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी, इस वाले फंक्शन में एक्स की वैल्यू जब 7 हो जाएगी तो फंक्शन किस तरह से काम करेगा। तो हम ऐसे आई 0, आई आई की वैल्यू इसमें 1, इसमें आई की वैल्यू 2, इस तरह से अपना ये फॉर लूप आई वाला चलेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से असल में वर्क करेगा, इसका असल में लॉजिक देखते हैं। तो हमने देखा कि जब आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हमारे जो प्रॉड की वैल्यू क्या होगी, 0 है यहाँ पे, है ना, पहले वाले में तो 0*7+0 = 0, तो प्रॉड की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे रिजल्ट के फर्स्ट एलिमेंट में 0 सेव हो जाएगा और कैरी अभी 0 रहेगी, ठीक है, कैरी अभी 0 रहेगी। ये जो रिजल्ट है इसमें मॉडुलस 10 कट रहा है, तो ये हमें फर्स्ट डिजिट देगा और कैरी के लिए हम इसे डिवाइड प्रॉड को डिवाइड करेंगे तो हमें कैरी मिल जाएगी। तो जब आई की वैल्यू 1 हुई, जब आई की वैल्यू 1 हुई तो हमने प्रॉड की वैल्यू देखी कि यहाँ पे रिजल्ट में हमारे 2 है, तो हमारे प्रॉड की वैल्यू 2**0*14, ठीक है, तो 14 modulus 10 हमें मिल गई हमारे रिजल्ट के फर्स्ट एलिमेंट में 4 वैल्यू और कैरी 1, क्योंकि 14*10=1 इंटीजर में, ठीक है, कैरी 1 हो गई। अब हमारी जब कैरी 1 हो गई तो हमारी जब आई की वैल्यू 2 ही, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट के साइज साइज में 3 है तो ये 2 ही तक चलना है, बस ये लास्ट टाइम है, तो आई की वैल्यू जब 2 ही तो हमारे प्रॉड में 7*7, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 7 है, 7*7+1=50, 50 आ जाएगा और 50 mod 10, 50 mod 10 हमें 0 देगा, ठीक है, तो हमारे रिजल्ट के एलिमेंट 2 में 2 सेव हो जाएगा, ठीक है। और कैरी हमारी कितनी आ गई, 50*10=5, तो कैरी हमारी 5 हो गई, 5 हो गई, तो हमारा रिजल्ट बन गया मत 5 हो गई, तो हमारा अभी ये 040 इतना सेव हुआ, अभी हमने 5 को सेव नहीं किया, इसमें 5 को सेव नहीं किया अभी कैरी। अब देखो ये वाइल लूप, हम इस वाइल लूप को देखते हैं, इसमें कैरी कुछ आई पॉजिटिव 1 2 3, तो उसने कहा भाई कुछ कैरी आई,
तो रिजल्ट में हमने देखा रिजल्ट का साइज, रिजल्ट का साइज 3, मतलब कि ये वाला एलिमेंट। इसमें देखा हमने कैरी में मॉड 10 किया, मतलब कि ये हमें फर्स्ट डिजिट देगा जो कि 5, तो हमारी कैरी इसमें सेव हो गई। अब ये 5 कैरी जाके सेव हुई। ये वाला लूप हमें लास्ट में जो कैरी बचती है उसे सेव करने के लिए है, क्योंकि इसमें तो ऐसा हो नहीं सकता ना, वो हम इसमें कर नहीं सकते कि लास्ट में कैरी बचे उसको सेव किया जाए, लास्ट एक बार और लूप चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमने इसमें कर दिया। तो हमने इसमें देखा कि जब कैरी सेव हो गई तो हमें अब कैरी, अगर मान के चलो कैरी ज़्यादा हुई 5 से, जैसे कि 10, 80, कुछ ज़्यादा कैरी अगर हुई तो हमें कैरी को डिवाइड भी करना पड़ेगा 10 से, जब तक तो वो 0 ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे कैरी को एक बार डिवाइड कर दिया 10 से, और हमारे रिजल्ट के साइज़ को हमने प्लस प्लस कर दिया कि हाँ एक रिजल्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ गया। और क्योंकि आगे चल अब ये 0 हो चुकी है, 5 डिवाइड 10 0, तो ये आगे काम नहीं करेगी, और हमें बस रिजल्ट का साइज़ का पता चल गया कि अब ये 5 हो चुका है। इस तरह से ये 100 तक जाएगा, यही यही वर्क होगा, हमारे एर वैल्यू बदलती जाएगी और आगे ये वैल्यू सेव होती जाएगी और आखिरी में हमें 100 का रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें मॉड देखेंगे कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में मॉड को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।